हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है नसरीन इलेक्ट्रिक टीच में। आज हम होम थिएटर रिपेयर करना सीखेंगे, जो सोनी का है, लोकल होम थिएटर है। इसमें प्रॉब्लम है, डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा और साउंड भी नहीं आ रही। तो चलिए इसे हम खोल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। उससे पहले हम आपको लाइन देकर दिखा देते हैं कि लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो चलिए इसे खोल लेते हैं। और इसमें जो तार बदला हुआ है वह खुद से बदला है, तो पता नहीं क्या किया नहीं किया। तो यह ओपन हो चुका है, तो आप देख सकते हैं यह लोकल किट है। ये मेन ट्रांसफार्मर और ये आउट सेक्शन किट हो गया ऑडियो आउट के लिए, और इसी में सारा सिस्टम रहता है। ये हमारा मेन ट्रांसफार्मर। तो चलिए सबसे पहले हम बोल्ट चेक करेंगे, बोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एसी यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। सीरीज लाइन में लाइन दे देते हैं। उसके बाद मल्टीमीटर को हम कर लेते हैं 200 वोल्ट पे एसी में। और इसके बाद रेड वायर हमारा कॉमन है, जो 12 वोल्ट आउट करता है एसी, वो कॉमन है रेड वायर। और उसके बाद ब्लू वायर 3 वोल्ट निकाल रहा है, और इधर भी 3 वोल्ट। तो हमारी प्रॉब्लम है वोल्ट की। तो सबसे पहले हम वोल्ट ओके करते हैं, उसके बाद ही आगे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें एसी चेक करना पड़ेगा, नहीं तो 3 वोल्ट यहाँ पे तो बता रहा है। पहले हम देख लेते हैं, ये तो माइनस में बता रहा है, वोल्ट मतलब नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम एसी चेक करते हैं, इस टेप को खोल लेते हैं और लाइन काट लें। और उसके बाद सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम वोल्ट चेक करेंगे। डायोड मोड में मल्टीमीटर है, उसके बाद हमें ट्रांसफार्मर बिल्कुल ओके है। पलक यहाँ पे ट्रांसफार्मर बिल्कुल ओके है। तो चलिए उसके बाद हम एसी वाला वायर जो आउट करता है 12 वोल्ट, उसे हम ओपन कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर चेक करने के बाद आप वायर भी चेक कर लें। वायर चेक करने के लिए हम यहाँ से डायरेक्ट कर दिए, और उसके बाद सीरीज एंड में हम पलक लगा देते हैं। तो बल्ब हमारा जल रहा है, तार हमारा ओके है। तो इसे हम जोड़ के टेप मार देते हैं, और ट्रांसफार्मर भी ओके है। उसके बाद हमें जो 12 वोल्ट एसी आउट करता है, इसे हम चेक करते हैं आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हमारा रेड वाला जो है ये कॉमन है, और एसी में हम 200 वोल्ट पर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 वोल्ट बता रहा है, 4-5 वोल्ट, और इधर भी 4-5 वोल्ट बता रहा है। वोल्ट हमारा कम बता रहा है, तो कम क्यों बता रहा है, चलिए देखते हैं। ऐसे कुछ स्पार्क नहीं कर रहा है, नहीं के बराबर है। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं, और यहाँ देखिए आप वायर जला हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जला हुआ है, इसी के कारण इस तरह का प्रॉब्लम था। तो चलिए इसे हम हटा के और लाइन काट लेते हैं, इसे हटा के और दूसरा वायर देके उसके बाद हम जोड़ के लाइन देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ देखते हैं। चलिए पहले इसे हम साफ़ करके उसके बाद दूसरा वायर लगाते हैं। तो इसे थोड़ा सा साफ़ कर लेना है। इस तरह का प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि अलूमिनियम और कॉपर होता है, जब तभी होता है। अगर अलूमिनियम से अलूमिनियम रहेगा तो जल्दी नहीं होगा। तो इसमें कॉपर की ज़रूरत पड़ती है सॉल्व करने के लिए हीट पे, तो कॉपर ही दिया जाता है। फैन और में आप अलूमिनियम का वायर देंगे तो आपका जल्दी से नहीं छोड़ेगा। और इसमें हम कॉपर का वायर यूज़ करेंगे क्योंकि हमें सोल्ड करना है, और
थोड़ा लंबा छील कवर छील लें ताकि अच्छी तरह से हम जोड़ पाए। और इसके बाद थोड़ा सा अलग कर लेना, दो भाग में बांट लेना। उसके बाद इसे बीच में रख के इसे इस तरह से मोट लें और इसके बाद इसे इस तरह से लपट के और फिर एक बार इस तरह से घुमा के फिर से इसे सीधा कर लें और इसके बाद फिर से इसे लपट दें। उसके बाद इसे अच्छी तरह से टाइट कर लें और दूसरा भी इसी तरह से करना है। ये हमारा ओके हो चुका है और इसमें हम एक दूसरा कलर का वायर यूज करेंगे जो कॉमन होगा, तो ब्लैक ही यूज कर लेते हैं। इसे भी लंबाई छीलना है। और इसमें एक नंबर का स्लीविंग डाल लें, जो स्लीविंग लग जाए वो डाल लें। और इसके बाद ये जिस तरह से दिया हुआ था उसी तरह से हमें वायर को बैठा लेना है। अच्छी तरह से बैठा लेंगे, इसको भी बैठा लेते हैं। दोनों आपस में सटे नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम इस पर टेप मार लेते हैं। इसके बाद हमने यह सब कंप्लीट कर लिया है और वायर जितना लगेगा उतना पे हमने काट लिया है। और उसके बाद हम ट्रांसफार्मर को चेक करके देखते हैं यह सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है और सही बोल्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। और सीरीज लैंप पे हम ट्रांसफार्मर कैसे चेक करते हैं यह वायर लगे हुए, तो सबसे पहले हम सीरीज लाइन में लाइन दे देते हैं। तो पहला ट्रिक है, आप जो 12-12 है उसमें आप सटाएँगे तो वहाँ पर बल्ब ग्लो करेगा, देख सकते हैं। अगर आप मल्टीमीटर से चेक करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉमन वायर हो गया और ये हमारा 12, तो 10 वोल्ट बता रहा है। और इसमें भी 10 वोल्ट, इसमें भी 10 वोल्ट। तो अगर इस तरह से आप छुएंगे तो हल्का हल्का सा करंट भी आएगा, पता नहीं चलेगा लेकिन 24 वोल्ट के आसपास ही होता है, तो इतना वोल्ट शरीर को पता नहीं चलता। तो इसे हम जोड़ लेते हैं। लाइन को काट लेना है। अगर लाइन देकर हम जोड़ेंगे तो आगे फॉल्ट भी हो सकता है। तो ये हमारा कॉमन हो गया और इसके बाद ये हमारा 12 और इधर से ये 12। तो हमने जोड़ लिया और इसके बाद हम चेक करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं पैनल में लाइन आ चुका है और वॉइस भी खोल के देख लेते हैं तो ओके है। और दोनों आईसी भी चेक कर लेते हैं ओके है कि नहीं है, ओके है। तो चलिए, यह प्रॉब्लम ट्रांसफार्मर से था, तो हमने आपको बताया यह किस तरह से रिपेयर किया जाता है। सो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबा लें ताकि न्यू अपडेट वीडियो आपके पास जल्द आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।